हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैज फैशन ब्यूटी में। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम पुरानी साड़ी से एक कुर्ता बना सकते हैं, फैंसी कुर्ता। उसके लिए अभी हमें अस्तर रखना पड़ेगा। अस्तर हमने लिया 2.25 मीटर, ये हमारा साइज है। तो हमें देखना है कि हम किस साइज़ का कुर्ता बनाने जा रहे हैं और हमारी साड़ी किस टाइप की है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग कट कर लेते हैं, जिससे कि हम उसको एडजस्ट करके देख सकें साड़ी पर कि इस पर कौन सा डिज़ाइन हमारा सेट हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमने अब इस लाइनिंग से हमने इसको फोल्ड कर रखा है, डबल फोल्ड। ये हमने बिछा लिया। ये हम लंबाई लेते हैं, ये हमारा 43 इंची, तो लाइनिंग हमें थोड़ी कम लेनी है। ये हम चेस्ट का 6 इंची पे, कमर का 14.5 पे और हिप का 21.5 पे निशान लगाते हैं, ठीक है। अब तीरा इसका 16 इंची है, तो हमें तीरा 6 इंची लेना है। और चेस्ट का ये जो आर्म होल है, इसको 1 इंची प्लस 6.5 लेना है हमको। इसको हम आपस में ज्वाइन कर लेना है। हम चेस्ट देखते हैं कि 43 इंची है, 43 को हमने 46 इंची इसको निशान लगा लेना है। फिर कमर हमारी 38.5 है, तो हमें इसको 41 इंची पे निशान लगाना है। और हिप हमारा 44.5 है, तो हम इसको 48 इंची पे निशान लगा लेते हैं। और नीचे हमें स्ट्रेट चाहिए, तो इसको भी हमें 12 इंची 12 चौक 48 पे निशान लगा के इसको ज्वाइन कर देना है। फिर इसको आपस में ऐसे जोड़ देना है, है ना। और अब हम इसको 1 इंच ऊपर करके इसको ऐसे राउंड कर देते हैं, जिससे कि ये हमारा आर्म होल का साइज हो। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब साथ ही साथ इससे थर 2 इंच के गैप पे हम इसका निशान लगाते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। आगे का पल्ला है, इसको हम अलग से लेते हैं। इसको थोड़ा डीप कट करना है, 1/2 इंची की गैप पे पीछे अपोजिट जाके। ये दोस्तों हमारी लाइनिंग कट गई है। अब हम इसको इसकी मदद से पीछे बैक पल्ले पे भी निशान लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा पीछे के पल्ले पे भी बहुत अच्छी तरीके से निशान आ गया है, जिससे कि हमें बनाने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये हमारी साड़ी है। इस साड़ी में हम देखते हैं कि ये हमारा पल्ला भी है इसमें। तो हम इस पल्ले को क्या करेंगे, नीचे घेर में डाल लेंगे, जिससे कि हमारा एक डिजाइनर कुर्ता रेडी हो जाए। और हम देखते हैं कि साड़ी के सेंटर पैनल भी आ रहा है, ये है ना। तो इसको हम बिल्कुल सेंटर में लेके इसको कुर्ता बनाएंगे। तो उसको इस तरह हम फोल्ड कर लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में लाके इसको, जिससे कि जब ये हमारा कुर्ता बनेगा तो एक डिजाइनर कुर्ता बनेगा। इसको आप कहीं भी बेधड़क पहन के जा सकते हैं, शादी पार्टी में कहीं कहीं पर भी। ये बिल्कुल आपको एक डिजाइनर लुक देगा। तो दोस्तों, हमारी लाइनिंग जो थी, हमें कुर्ते की लेंथ 43 इंच बनानी थी, पर हमने लाइनिंग कम ली थी। पर हम इस साड़ी के जो कपड़ा होगा, इसमें से हम उसको 43 इंच पूरा लेंगे। तो हम नीचे से कि फोल्ड मार्जिन छोड़ के यहाँ से 43 इंच पूरा ले लेंगे कुर्ते का, जो कि हमें बनाना है कुर्ता। तो हमने निशान लगा लिया। अब हम इसको इसके ऊपर ये लाइनिंग वाला फ्रंट पार्ट इस पर रख देंगे। ये हमने रख दिया।
अब हम इसको कट कर लेंगे इसके बराबर मेजरमेंट से। आप चाहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं ताकि आप अगर कुछ कमी हो जाए तो बाद में आपका बैलेंस हो जाए। ये दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला कट गया है, जिस साड़ी का पल्ला था वो हमने घेर में ले लिया है। अब हम इसको बैक पार्ट भी इसी तरह काट लेंगे, इसको सेंटर पैनल में ही रख के इस बॉर्डर को। इसका भी हम यही करेंगे कि नीचे फोल्ड मार्जिन छोड़ के 2.5 इंची और इसको भी 43 इंचेस पे ही हम निशान लगा देंगे। ये हमारा बैक पल्ला हो गया और ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया। अब हमें बाजू निकालनी है और हम चाहते हैं साड़ी में से एक कुर्ता और बन जाए, तो बाजू जो है हम डिजाइनर के रूप में ये वाली बाजू तो अच्छी नहीं लगेगी, इसमें प्लेन स्लीव्स अच्छी लगेगी, तो हम साड़ी का जो एंड पार्ट होता है उसमें से हम बाजू बनवाएंगे। ये हमारा बाजू का पोर्शन होगा। दोस्तों इसमें हम बड़ी बाजू बनाएंगे 17 इंच। तो ये जो रेड बॉर्डर है इसको हम एज अ पाइपिंग बॉर्डर दिखाएंगे और ये हम 17 इंच पे से मार्क कर लेते हैं। और मुरी हमको 11 इंच चाहिए तो हम इसको 11 इंच पे निशान लगा लेते हैं। अब हम फ्रंट में भी आधे इंच की कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये था हमारी लाइनिंग कुर्ते की कटिंग। ये अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जैज फैशन ब्यूटी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी किसको हमें कैसे सिलना है। बाय दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।